आज जो गडकरी साहब का यहाँ पर इस्तकबाल किया, आप लोगों ने कैसे देखते हो उस चीज को? हम उनके कार्य को देखते हुए उनसे बहुत प्रभावित हुए और हमारे पूरा समाज प्रभावित हुए उनसे कार्य काम को देखते हुए। उसकी वजह से हम उनके तरफ जुड़े उनसे अब, और हमारा पूरा समाज का समर्थन उनके साथ में है। हाँ, 100% गडकरी साहब के साथ में है। अमीरुल्ला भाई है, कमल जी महाराज है, और हमारे दोस्त भाई है, और हमारा मौला आबिद खादिम है। ये सब लोग हम उनके कार्य को देख के, उनके काम को देख के, उनकी छवि को देख के उनके साथ में जुड़े, गडकरी साहब के साथ में और उनके साथ में है जी। सबको अस्सलाम वालेकुम। उर्दू सफ़र में आप सभी का स्वागत है, और उर्दू सफ़र के माध्यम से मैं मोहसिन जफर खान, नागपुर शहर अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ।
आज जैसे कि दक्षिण नागपुर क्षेत्र के अंदर में ताजबाज शरीफ जो दरगाह परिसर आता है उस एरिया के अंदर में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी जो हमारे लोकसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार हैं उनका भव्य स्वागत और उनकी रैली जब यहाँ से गुजरी तो मुस्लिम जनता ने मुस्लिम समाज के लोगों ने और विभिन्न समाज के लोगों ने इतना प्यार आज गडकरी साहब को दिया है कि मैं देखते ही बनता है आपको। मैंने नागपुर शहर के जगह जगह पे साहब का रैली देखी, हर जगह साहब को बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों ने वहाँ पर स्वागत किया, सत्कार किया। लेकिन जो आज मुस्लिम समाज ने, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज ने, बौद्ध समाज ने इस दक्षिण नागपुर क्षेत्र में ताजबाग परिसर क्षेत्र में जो स्वागत किया है वो एकदम काबिले तारीफ है। सबसे पहले तो साहब का स्वागत हुसैन बाबा दरगाह शरीफ के पास में हमारे नागपुर शहर के मध्य नागपुर के अल्पसंख्यक मोर्चा के मध्य दक्षिण नागपुर के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जनाब छोटे खान साहब ने किया। फिर उसके बाद में रजा चौक पर ठाकुर प्लॉट के पास में वहाँ साहब का भव्य स्वागत हुआ। फिर सैलानी खानका के पास में वहाँ स्वागत हुआ। सज्जादा नशीन हमारे ताजुद्दीन बाबा से रहमतुल्लाह अलैह दरबार के जनाब तलेब बाबा ताजी जो हमारे साथ मौजूद है उन्होंने भी उनके घर के सामने साहब का भव्य स्वागत किया और साहब ने खुशी से ताजुद्दीन बाबा के हमारे के सज्जादा नशीन जनाब तलेब बाबा को गले लगा लिया और उन्हें अपनी गाड़ी में आमंत्रित किया और अपने साथ में पूरे परिसर में तलेब बाबा के साथ में गाड़ी में वो उन्होंने सफ़र किया, आगे की रैली बढ़ाई। वैसे ही ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट जो ऑफिस है हमारे प्यारे खान साहब ट्रस्ट के चेयरमैन हैं उन्होंने भी भव्य स्वागत किया। उसके बाद में जब एक चौक आता है हमारे ताजबाग परिसर का शहनशाह चौक, उस शहनशाह चौक पे तो देखने का आलम ही अलग था। पूरे नागपुर शहर के अल्पसंख्यक मोर्चा के जितने पदाधिकारी थे वो सब के सब वहाँ पर मौजूद थे, उपस्थित थे। ताजबाग परिसर के में जो रहने वाले वहाँ के सम्माननीय जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो सब वहाँ उपस्थित थे और वहाँ पर साहब का भव्य और बहुत आलीशान स्वागत किया गया। ऐसे पूरे परिसर में, ताजबाग परिसर में और दक्षिण नागपुर में आज साहब की रैली के अंदर में जो स्वागत समारोह हुआ वो काबिले तारीफ है। और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ छोटे साहब को जो हमारे दक्षिण नागपुर के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो जगह जगह में इंतजाम किए और जगह जगह में लोगों का स्वागत करने के लिए उन्होंने लोगों का आह्वान किया और कल से उन्होंने लोगों को बताया कि साहब ने आपके लिए जो किया है वो सराहनीय है। इस वजह से लोगों ने साहब को अपना प्यार आज दिखाया दिया, सामने साहब के सामने मौजूद रह के भरी धूप में लोगों ने अपना प्यार दिखाया कि साहब हम आपको चाहते हैं और हम आपको वोट करेंगे। तो इंशाल्लाह साहब 5 लाख के ऊपर में चुन के ज़रूर आएंगे और हमारे जो तालिब बाबा ताजी साहब है इनके माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं ताजबाग परिसर के आसपास के लोग वो भी साहब के साथ में जुड़ के मेहनत से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत तादाद के अंदर में वोट की संख्या जो है यहाँ से आज तक जो मिली होंगी उससे कम से कम 10 गुना तो ज़्यादा इंशाल्लाह ताला बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि वरकातहू। मैं सैयद तालिफ ताजी, बारगाह सरकार ताजुल औलिया, बारगाह सरकार ताजुल औलिया हज़रत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन हज़रत बाबा यूसुफ इकबाल ताजी मदज़िल्लुल आली, मैं उनका बेटा सैयद तालिफ ताजी, बड़ा ताजाबाद नागपुर दरगाह शरीफ से साहिब सज्जादा नशीन। और आज हमारे यहाँ पर नागपुर के लाडले हमारे नितिन गडकरी साहब आज हमारे ताजाबाद एरिया में आज आए। उनका पहली बार मुस्लिम समाज ने ऐसा उनका स्वागत किया है यहाँ पर। और मैंने भी पहली बार इस्तकबाल किया कोई नेता का, आज पहली बार मैंने कोई रैली के अंदर जाके दस्तारबंदी कोई नेता की है। और हमारे मोहसिन जफर खान साहब हमारे साथ मौजूद है, इनकी भी बहुत मेहनत है गडकरी साहब के लिए कर रहे हैं। और हमारे ताजाबाद क्षेत्र में अभी हमारे छोटे साहब भाई, ये भी इनकी भी इतनी मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह के पूरा ताजाबाद समझ जाओ गडकरी साहब के नाम की नाम से झूम रहा है अभी। गडकरी मैं हो गया। हाँ, ये पहली बार हुआ है हमारे ताजाबाद में।
एक चाहत गडकरी साहब की, उनकी मोहब्बत ऐसी थी कि लोगों में के यहाँ का माहौल ही कुछ अलग हो गया है अभी तो। इस बार गडकरी साहब ही है और तमाम लोगों से मैं कहूँगा कि हमारे गडकरी साहब के लिए दुआ करें, मोहब्बत दे, प्यार दे, उनको तंदुरुस्ती सेहत के लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम, मैं छोटे साहब खान, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा दक्षिण नागपुर। आज जो हमारे नेते, लोकप्रिय नेते माननीय नितिन गडकरी जी साहब के जो भव्य रैली दक्षिण नागपुर में हुई, वहाँ जगह जगह उनका स्वागत किया गया, जैसे कि हुसैन बाबा दरगाह, सार्वजनिक बौद्ध विहार बीड़ी पेट, रजा चौक, ठाकुर प्लॉट, हमारे इरफान मलानी साहब ताजरवी मदरसे के पास की उनका सत्कार किया, वैसे ही सरानी खान का में भी उनका स्वागत किया और ट्रस्ट ऑफिस में उनका स्वागत हुआ, सज्जदर हसीन हाउस में उनका स्वागत हुआ, हमारे शहनशाह चौक में अमीरुल्ला भाई ने उनका स्वागत किया, काफी जंगी स्वागत हुआ। मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की जानिब से जिन किसी भाई ने इस रैली का स्वागत किया और सहयोग किया उनका तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उससे उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आपका साथ हमारे साथ बने रहे। अस्सलाम वालेकुम।